नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपको Plus 24/7 में। तो जैसा कि अति शिक्षक काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जहाँ भी आते हैं मुख्यमंत्री जी उनको आश्वासन देते हैं और आश्वासन दे करके बस चले जाते हैं। कभी उन्होंने अभी तक कोई डिक्लेयर महापंचायत का डेट घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके पहले अभी जो अति शिक्षक संघ के द्वारा कुछ बिंदुओं पर बात की गई है उनके बारे में जानते हैं। इसके बाद ये भी बताएंगे आपको कि अगला डेट किसको बुलाया गया महापंचायत के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल अति शिक्षकों का 12 माह सेवा काल एवं विद्यालय में कार्यरत अति शिक्षकों के पद को रिक्त न मानते हुए तथा नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश की तथा अन्य सुविधाओं की पात्रता के संबंध में श्रीमान जी से मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में विगत 16 वर्षों से लगभग 90,000 अति शिक्षक अत्यंत अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिनके परिश्रम से निजी विद्यालयों की अपेक्षा शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बेहतर आ रहा है, किंतु सत्र समाप्त होने के पहले या बाद में तथा शिक्षकों की नियुक्ति, नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण या प्रमोशन के कारण अतिथि शिक्षकों को विद्यालय से उनके पद से बाहर कर दिया जाता है, जिसके कारण इन 16 वर्षों में लगभग 3 लाख अति शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं तथा उनकी आयु सीमा अधिक होने के कारण कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। अस्तु श्रीमान जी से के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर विनय है कि अति शिक्षकों की सेवा 12 माह करते हुए उनके पद को रिक्त न मानते हुए नियमित कर्मचारी की तरह अवकाश की पात्रता एवं अन्य सुविधाएं लागू करने की कृपा करें। माननीय महोदय जी का मध्य प्रदेश शासन समस्त मध्य प्रदेश के समस्त अति शिक्षक एवं उनके परिवार के सदस्य आजीवन आभारी रहेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि जो लगातार कार्य कर रहे हैं अति शिक्षक, तो उसमें उनको जो है 12 माह का दिया जाए, उनको बीच में बाहर ना निकाला जाए कि जैसे सत्र समाप्त होने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है, फिर से उनको लिया जाता है, तो ये वाला एक सिस्टम ख़त्म हो और उनकी पद को रिक्त ना माना जाए, उनके जगह पर कोई नियमित कर्मचारी न आए, उनके जगह पर नई नियुक्तियाँ ना हो, ये इनकी प्रमुख बिंदु थी और बहुत ही सराहनीय बिंदु है। और यदि श्रीमान जी इस मैटर पर काम करते हैं तो अति शिक्षक के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब जो एक और इसमें जो जानकारी निकल के आ रहा है कि भैया 16 वर्षों में लगभग 3 लाख अति शिक्षक बेरोजगार हुए, उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी एक ये नियम बना सकते हैं कि जो गुरुजी की तरह जो है उनका एक अलग से विभागीय पेपर लें, सभी का लें और उसमें जो पास हो जाएं उनको ये अंदर कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। तो जो अभी 3 लाख अपने शिक्षक बंधु अति शिक्षक बंधु निकल गए हैं उनका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जो एक और अभी खबर निकल के आ रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महापंचायत की घोषणा की गई थी अति शिक्षक के बारे में, लेकिन अभी तक अति शिक्षकों का महापंचायत नहीं बुलाया गया, सिर्फ आश्वासन ही उनको दिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के अति शिक्षक बंधुओं में काफ़ी हताशा छाई हुई है, लेकिन अभी जो महापंचायत बुलाया गया है वो किनके बारे में बुलाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से ये पत्र क्रमांक जो है भेजा गया है, ठीक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त सदस्य, विषय ग्राम पंचायत सचिवों का सम्मेलन बाबत, संदर्भ मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्रमांक 97987। उपरोक्त विषय के संदर्भानुसार 3 अगस्त 2023 को 5:30 बजे पंचायत सचिव सम्मेलन भोपाल में लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को उपस्थित होना है। अतः उक्त सम्मेलन में ग्राम पंचायत सचिवों को भाग लेने हेतु सूचित करने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तानुसार और संचालक जो हैं ये डॉक्टर केदार सिंह, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश। मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि हर एक विभाग को बुलाया जा रहा है, अभी चाहे वो रोजगार सहायक हों उनको बुलाया गया, ठीक है। आशा उषा को 29 तारीख को डेट दिया गया है विधिवत, अब ग्राम पंचायत सचिवों को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो गरीब तबका जो एक अति शिक्षक है उनके बारे में माननीय CM जी के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ घोषणा ही वो कर रहे हैं, कहीं आश्वासन दे रहे हैं और बस, इसके अलावा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। तो आशा करते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान को जल्द ही इस संबंध में ध्यान होगा और जल्द ही वो कोई ठोस कदम उठाएंगे, महापंचायत बुलाएंगे।
फिलहाल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।